जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू सोनापटिया व्लॉग। तो अभी हम व्लॉगिंग कर रहे हैं 8:30 रात को, इवनिंग को। तो बस अभी हम रेडी हो चुके हैं इंडिया जाने के लिए। तो विराज भी रेडी हो गया है और मैं भी रेडी हो गई हूँ और यहाँ पर पूरा सामान भी रेडी हो गया है। टैक्सी आ रही है। हेलो हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब लोग? बस जा रहे हैं लोग इंडिया, ड्रॉप करने जा रहा हूँ इन लोग को और ट्रेन बुक कर दी है। ओके, 1 मिनट है। चलिए चलिए चलिए, तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम निकल रहे हैं, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। अभी पहले लगेज हम पूरा टैक्सी में रख देते हैं और वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँच के बाद में हम आपसे बात करते हैं। चलिए, एयरपोर्ट पहुँच गए हैं और अभी हम जा रहे हैं। कहाँ पे है हमारा एरिया 2? विराज सो एक्साइटेड। बस लगेज थोड़ा ऊपर नीचे ना हो जाए वो देखना पड़ेगा। मम्मा तो बोली उसको नींद आ रही है तो उस एयर फ्लाइट में जाके सो जाएगी। मैं ब्लॉग बनाऊंगा, मैं रिव्यू दूंगा कि कैसी है फ्लाइट। ओके, अंकित छोड़ने सब कुछ करवा के बाद में जाएंगे वापस। वो भी 10 डेज में आने वाले हैं, यही टाइम पर निकलेंगे वो भी। देखिए लाइन बहुत ही बड़ी बड़ी है, हमें लगना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे खाली है, ये पर बंद लग रहा है एयर इंडिया। चलिए चलिए चलिए। विराज की बातें ही ख़त्म नहीं हो रही है, इतने क्वेश्चन आंसर कर रहा है, बहुत ही एक्साइटेड है। कुछ नहीं खाएगा तो तुझे अच्छा लगेगा कि नहीं पता नहीं। विराज ने उसकी खुद की बैग, अच्छा पीछे नहीं जाना है विराज, आगे जाना है। अभी ये दोनों थोड़े दिन के लिए जुदा हो रहे हैं। ये दोनों को चलता भी नहीं है एक दूसरे के बिना और बस एक दूसरे की खींचते रहते हैं दोनों। चलिए अभी हमारा नंबर आने वाला है, बहुत सारी लाइन थी। गाइस अभी हमारा चेक इन हो चुका है, अभी हम इमिग्रेशन के लिए जाएंगे। और पापा अभी है ना, लगेज हमारा चला गया है, अभी हमारा इमिग्रेशन होगा। अभी अंकित हमें छोड़ के चले जाएंगे, बस 2 मिनट खड़े हैं यहाँ पर। मैं तो वेट कर रहा हूँ। हेलो, तो घर पे क्या क्या करोगे? घर पे अभी तो जाऊँगा, थोड़ा क्लीन अप करूँगा जो छोड़ दिया तुम लोग ने। वापस पार्टी करके गंदा। अभी मैं पार्टी तो नहीं करूँगा, अभी जाके सोऊँगा थोड़ा, बिकॉज मैं टायर्ड। अभी मैं थोड़ा सुकून से सोऊंगा, बिना आवाज़, बिना टीवी, बिना मोबाइल का। ये 2 महीना आराम से रहो, तो मिलते हैं बहुत जल्दी मुंबई में। यस, ओके, टेक केयर। मम्मा का अच्छे से ख्याल रखना। मैं आपसे ज़्यादा रखता हूँ। अच्छा, तो अभी हम लोग इमिग्रेशन कर लेते हैं, मिलते हैं आपको बाद में। हाँ पहले चलो। अभी है ना हमारा गेट नंबर नहीं लगा है, तो बस डिसाइड ही नहीं कर पाया कौन सा गेट लगाना है। तो अभी 1 घंटा 10 मिनट में गेट नंबर आ जाएगा। और इस बार अभी मम्मा को लगी है वॉशरूम, तो अभी वॉशरूम जाते हैं। तो अभी ड्यूटी फ्री में घूम रहे हैं। यहाँ का ड्यूटी फ्री है एयरपोर्ट। स्क्रीन क्या चाहिए? मैंने कहीं पर तो देखा था। हाँ, ये रहा। अभी भी नहीं लगाया, नहीं लगाया, अभी तक नहीं लगाया, लगेगा थोड़ी देर। यहाँ पे बैठते हैं सोफा पे।
लगा नहीं है ना मेरा जब भी हाँ, तो अभी थोड़ी देर बैठते हैं उसके बाद लोग छा रहे हैं अभी चल चल विराज को बहुत ही जल्दी है फ्लाइट में बैठने की वो फ्लाइट कैसी है वो देखना है रिव्यू देगा विराज कैसी है फ्लाइट चलिए बाय बाय विराज बाय बाय देखे मैंने बोला थोड़ा लास्ट में चढ़ेंगे पर विराज को तो बस जल्दी से जाना है ओके थैंक यू राइट 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 वीरू लखेल हुई जो तो जा क्या हाल है स्क्रीन में कुछ देखने का सोच रहा है तो तू क्या अपडेट देने वाला है ओके ठीक है चलिए अभी तो बस अभी पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में बस स्क्रीन चल रही है ना वही देखना था क्योंकि वरना विराज को उसके पापा से कंप्लेन करता जैसे ऐसे वो नीचे जाएगा तू ऐसे करेगा ना जैसे वो नीचे का बस हो गए तो चलिए अभी दो तीन घंटे में हम मुंबई पहुँच जाएंगे मिलते हैं आपसे बाद में अभी फ्लाइट अभी तो पैसेंजर आ रहे हैं अभी तो बहुत सारे विराज मुझे जल्दी लेके आया अंदर वरना मैं थोड़ी देर के बाद आती अंदर बोर हो जाते हैं बैठ के सब पैसेंजर जब तक पूरे नहीं आ जाते तब तक तो कुछ नहीं हो सकता है फ्रेंड्स हमारी फ्लाइट लैंड हो गई है और ये देखिए पूरी फ्लाइट देखने चला है ये अभी बिजनेस क्लास में आया है ओके इकोनॉमिक देख लिया अभी बिजनेस क्लास में देखने आया ओके तो ये पूरा बिजनेस क्लास है अभी ये देखो सब चीज़ें छेड़छाड़ कर रहा है चलो अभी निकलते हैं विराज चलो 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 थैंक यू यस गुड मॉर्निंग मुंबई और चलो और हमें थोड़ी देर के लिए परमिशन हमें थोड़ी देर के लिए परमिशन मिल गई बिजनेस क्लास जाने इसकी इच्छा पूरी हो गई और मैं उसका कंफर्ट उसके फीचर्स क्या बात थे यार उसमें कार के रिमिंग था जिसमें वो डिस्प्ले होता है ना उससे कंट्रोल होता है वो तो एक फ्रिज है उधर एक मिरर है उधर एक वो तो हमारा लगेज अभी लगेज लेके आ लगेज ले लेते हैं पहला वाईफाई मिलेगा यहाँ मिलेगा ओह चलिए अभी मिलते हैं क्या करता हूँ तो गाइस अभी मिलते हैं आपको लगेज लेकर तो अभी लेने के लिए आएंगे मेरे भाई दोनों इस बार वो दो लोग आने वाले हैं दोनों भाई लेने आने वाले विराज के मामा आने वाले हैं लेने के लिए तो चलिए अभी आपसे मिलवाते हैं पहले लगेज ले लेती हूँ मैं हम लोग निकल चुके हैं कूद के बाहर और एकदम जगदीश मामा को ढूंढ रहे हैं यार वो ऊपर है हम लोग नीचे है और एक तो गर्मी हो रही है अभी गेट नंबर 3 पे है वो देखते हैं कि नहीं आ गए हम लोग गेट नंबर 3 पर मम्मा माँ किधर है और नहीं उठे यार
2 मिनट कर कर के बाद 2 किलो पसीना निकल गया। तो फ्रेंड्स बहुत ही गर्मी चालू है यहाँ पे, बारिश है फिर भी गर्मी इतनी हो रही है। तो अभी बस हम बाहर आ गए हैं, लग ले लिया है और अभी वेट कर रहे हैं भाई लेने के लिए आ रहे हैं। तो बस वो लोग नीचे आए हैं, हम नीचे थे तो वो लोग ऊपर थे, तो अभी हम ऊपर आए हैं। तो बस अभी वो लेने के लिए आ रहे हैं, बाद में जाएंगे घर, बहुत ही गर्मी हो रही है। तो फ्रेंड्स अभी देखिए बाहर बहुत ही बारिश चालू है और हम लोग बैठ गए हैं, हमें मिल गए हमारे भाई, आपको घर पे जाके मिलवाती हूँ सबसे। अभी देखिए बाहर कितनी बारिश है, बहुत ही बारिश आ रही है। फ्लाइट में भी बहुत ही प्रॉब्लम था, बहुत ही फ्लाइट हिल रही थी यहाँ पे पहुँचने में, देख सकते हैं। सब लोग हमें हेलो गाइस, ये है हमारी आशी, ये बलवी दीदी, ये मम्मी विराज की दादी, ये है बड़ी दादी विराज की 93 इयर्स। ओके, और बाहर मिलवाती हूँ आप सभी से। ये है बड़े भाई मेरे, ये है मेरे छोटे भाई और ये है पापा हमारे। तो सब लोग अभी बज गए हैं 6:30, हम पहुंच गए हैं घर पे, ये है हमारे दादा। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हमारी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, बाय बाय एवरीवन।